सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम है दीप और मेरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी। तो जैसा कि आपने पूछा है, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो युवाओं की स्थिति है उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कई सोचते हैं कि अभी जो हो रहा है, जितनी भी भर्ती भी हो रहे हैं, लेकिन एक वो सिस्टम नहीं बन पा रहा है कि सभी को जॉब मिले और हर युवा परेशान है जॉब के पीछे। लेकिन कई चीज़ें उसमें होती हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा बताना, कि या कुछ भी हो, तो ये मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो हमें खुद को ही काबिल होना चाहिए कि जो इसी बारे में सोच सके युवा। और दूसरी बात ये है कि अपने आप को पहले काबिल बनाओ, इसके बाद हमें जॉब के बारे में सोचना चाहिए। पहले तो हमें अपने जो भी डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा। और आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से युवा के लिए चिंतन किया जा रहा है? नहीं, सरकार एक अलग मैटर है। जैसे कि आप पूछ रहे हैं सरकार सोच रही या नहीं सोच रही, जितनी भी सरकारें आई हैं, जा रही हैं, जैसे अभी जो सरकार चल रही है, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल इशू है। युवाओं के लिए क्या हो रहा है, जॉब है या नहीं है, कितनी फेयर है और कितनी अनफेयर है, उसके बारे में प्रॉपर सर्वे करना मेरे को नहीं लगता कि सभी के लिए कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। और नई नई जो पॉलिसी अभी लागू हो रही हैं उनसे नुकसान भी हो रहा है, और मतलब नुकसान ज़्यादा हो रहा है मेरे को लगता है, फ़ायदा कम मिल रहा है। अभी जो रोस्टर सिस्टम भी अभी लागू हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में, हाँ, तो उसके मतलब वो बेनिफिशियल भी हैं और कई बार नहीं, क्योंकि जो आरक्षण का मुद्दा है उसको लेके हम ये मानते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। कई बार वो ये लगता है कि वो किसी के लिए मतलब ये लगा लो कि नुकसानदायक भी है। और मौजूदा सरकार को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अंक देने की बात करें तो जो मौजूदा सरकार है, जैसे हालात चल रहे हैं, नए नए मुद्दे रोज आ रहे हैं और स्कीम्स भी आ रही हैं और इतनी मतलब रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप हरियाणा की बात करें, तो खट्टर सरकार की बात करें, तो मैं इस सरकार को मतलब केंद्र सरकार की बात करें तो ये लगा लो कि उनका काम काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप हरियाणा की बात कर रहे हैं इस सरकार की, तो मैं इनको यहाँ पे 10 में से 5 नंबर देता हूँ। और केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि वो तो है, कुछ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, मैं उनको मानता हूँ 10 में से 10 दे दिए जाएँ।